हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 3 जो कि आपका है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हम पहले वापस चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हमने 5x+3 लिखा है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालनी होती है। तो यहाँ पे वो वेरिएबल एक्स है, ठीक। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे एक्स की पावर 2, 3, 4, 5 कुछ और नहीं हो सकती है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो 5x+3 है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू 0 रख लूं तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो अब अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है 2x+3y+5=0, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, और इन दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को इस टाइप से लिखते हैं ax+by+c=0, ठीक है। जहां पे a जो है x वेरिएबल का कोफिशियंट है, यानी ये a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x हमारा पहला वेरिएबल है, ठीक। और ये जो by लिखा है हमने यहाँ पे, तो इसमें ये जो b है वो कोफिशियंट है y का, ये b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है b, और y जो है हमारा दूसरा कोफिशियंट है। प्लस c जो हमने यहाँ पे लिखा है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे ये जो टर्म होगी ये कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ पे 5 है तो वो 5 ही रहेगा, पूरी इक्वेशन में 6 है तो 6 ही रहेगा, यानी वो कांस्टेंट टर्म है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी स्टार्टिंग से जो लास्ट तक वही रहने वाली है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि इन इक्वेशंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस भी चाहिए। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए, तभी जाके हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो अगर अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स और हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और उनको सॉल्व करने पे एटलीस्ट हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। तो हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन के बारे में कह सकते हैं कि इफ अ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन देन इट इज टर्म्ड एज कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। इसी टाइप से अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल और अगर उनको सॉल्व करने पे हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, तो ऐसी इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन के बारे में हम कह सकते हैं इफ अ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस has no solution, then it is termed as inconsistent linear equation. तो अब consistent और inconsistent equations के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। तो अगर हमारे पास दो linear equation है in two variables, जैसे कि example के लिए हमने यहाँ पे रख लिए, ये हमने general form में लिखी है a1x+b1y+c1=0, a2x+b2y+c2=0, ठीक है। तो यहाँ पे a1 x का कोफिशियंट है, b1 y का कोफिशियंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है। इसी टाइप से a2 दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन में पहले वेरिएबल का कोफिशियंट है, इसी टाइप से b2 जो है y का कोफिशियंट है और c2 जो है वेरिएबल है, ठीक। तो अगर अब हम इनके जो कोफिशियंट है उनको डिवाइड करके देखें, यानी अगर मैं a1/a2 करूं और b1/b2 करूं और ये दोनों इक्वल ना हो एक दूसरे के, तो ऐसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ऐसी लीनियर इक्वेशंस का, वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक। तो ऐसी इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक। इसी टाइप से अगर हम इन सब के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करें और वो सब आपस में इक्वल हो, जैसे यहाँ पे a1/a2=b1/b2=c1/c2, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक।
तो ऐसी इक्वेशन को भी हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर हम तीसरी कंडीशन देखें, तो अगर हमारे पास a1 upon a2 equal to b1 upon b2 है, लेकिन वो नॉट इक्वल टू है c1 upon c2, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशंस होंगी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो इन इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से अगर हमें यह पता करना है कि कोई दो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहां पे एग्जांपल के लिए हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली इन टू वेरिएबल्स, और इनको हमने जनरल फॉर्म में ही रखा है क्योंकि इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो a1x plus b1y plus c1 equal to 0 हमारी पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी जो हो गई a2x plus b2y plus c2 equal to 0 हो गई, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और उसके सॉल्यूशन से हम एक ग्राफ प्लॉट करें, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट हो जिसमें हमें दो लाइनें दिख रही हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिक सॉल्यूशन को, ठीक। यानी इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो भी वो वाला पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी टाइप से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और इनके सॉल्यूशन से ग्राफ प्लॉट करें, और वो ग्राफ कुछ हमें इस टाइप से दिखता हो जिसमें हमें दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई नजर आ रही हो, यानी एक के ऊपर एक हो, तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। और हमें पता है अगर किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और जो इसका सॉल्यूशन आएगा उससे हम फिर से ग्राफ प्लॉट करें और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखे जिसमें हमें दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हो, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमेशा नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमें पता है कि जब भी दो लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उनको हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो इस टाइप से हम ग्राफिकल मेथड से पता कर सकते हैं कि दो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स को डिस्कस किया, तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।